हमारी रिक्वायरमेंट है पाइथन में सीरीज, राइट। जो सीरीज है ये वाली सीरीज कैसे, अगर मैं एन लिखता हूँ 5, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, 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
लूप चलाएं यानी बुद्धू बनाएं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ 5 और फिर ले यहाँ पे फॉर i इन रेंज, लोग करेंगे 1 से n प्लस 1 या 0 से n, ठीक है ना, बात वही है। फिर यहाँ करेंगे फॉर j इन रेंज 0 से i प्लस 1 और फिर यहाँ खाली प्रिंट करें 1, ऐसे ही तुम बोली थी, है ना। और फिर यहाँ पे एंड में कुछ नहीं देना है, एंड इज इक्वल टू नथिंग, ओके। और फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट राइट सिंगल कोट में कॉमा लगा के फिर ऐसा ऐसा। तो अब ये अगर मैं इसको सेव करूँ राइट, ये तो काम करेगा लेकिन ये थोड़ा सा चीटिंग है खुद के साथ, खुद के साथ, दूसरे के साथ नहीं, खुद के साथ। चीटिंग हमेशा कोई इंसान खुद से ही करता है, दूसरे से नहीं करता है राइट। ये देखो सीरीज करके नाम दे रहा हूँ, रन करता हूँ तो ये आ गया सीरीज राइट। ये अगर मैं इसको एंड भी नहीं दे दूँ, यहाँ पे दे दूँ एंड इज इक्वल टू नथिंग, एंड इज इक्वल टू सिंपली कॉमा दे दूँ इधर और यहाँ से हटा दूँ तो ये हो गया देखो राइट। ये इस तरह से आएगा, ये हो गया काम। ये तो बुद्धू हुआ, बुद्धू बनाना है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक देखते हैं। अब लॉजिक समझने के लिए एक्सेल में आते हैं। देखो एन हमारा 5, जीरो हमारा आई हमारा 0 से 4 चलेगा, सम वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू 0 देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोलूँ इज इक्वल टू 10 to the power of, अगर मैं बोलूँ पावर 10 कॉमा दिस, तो 10 to the power of 0 कितना होता है 1, ठीक है, 10 to the power of 0 होता है 1, ओके। तो अब ये 10 to the power of 0 का अगर मैं बोलूँ दिस प्लस दिस सम 1 हुआ, फिर 10 to the power of 1 क्या होगा 10, अगर मैं बोलूँ इसको प्लस करो इसके साथ, फिर 10 to the power of 2, ये देखो। अब ये देखो जैसे आई बढ़ रहा है, जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये सिंगल लूप में कैसे होगा, यही वाला प्रोग्राम राइट सिंगल लूप में। इसको मैं हटा देता हूँ और ये हटा के इधर रखता हूँ। लॉजिक देखना समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर आई इन रेंज 0, n, ओके नाउ इधर ले लिया सम इज इक्वल टू 0, सम वेरिएबल लिया ना मैंने, अब मैं यहाँ लिया सम, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ लिखूंगा सम, पहले यहाँ ले लूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस राइट 10 है 10 to the power of 0, यानी मेरा आई, आई बदल रहा है ना 0, 1, 2, 3 है ना, तो आई को लिख दूंगा। पावर की जरूरत क्या है यहाँ पे बेटा, ये पावर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर वही है ना, लेकिन अगर पावर में तो बेटा वही है 10 x^2 में नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू पास करनी है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। अब यहाँ करो प्रिंट राइट, आप चाहो तो ये प्रिंट पूरा का पूरा यहाँ करो सम, ठीक है, हो गया काम पूरा। और यहाँ दे दो एंड इज इक्वल टू कॉमा, देखो ये हो गया सिंगल लूप में, ओके सिंगल लूप में हो गया। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखो वही आंसर आया। अब ये लॉजिकल मीनिंग है, ये लॉजिकल तुक्के हैं राइट। आपको मीनिंगफुल सॉल्यूशन देना है, मैथ्स लगाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैजिक, क्या होता है, मैथ प्लस लॉजिक इज इक्वल टू मैजिक। तो ये मैजिक में एम ए यहाँ से आता है, लॉजिक का जी आई से आता है, इसलिए उसको मैजिक कहा जाता है। तो हमें सारे मैजिक्स करने हैं, मैथ्स के साथ लॉजिक मिलाना है, ठीक है, चलो प्रैक्टिस करें।